सर, इसके पहले आमतौर पर कुमार अदानी ने भी लिफ्ट को लेकर, लिफ्ट बनाने को लेकर भूमि पूजन किया था, उस समय आप भी मौजूद थे, तो वो फंड कहाँ गया या जो लिफ्ट बन रही है एनसीपी द्वारा जो प्रयास के लिए उसके हिसाब से? नहीं, फंड अभी मंजूरी हो गया है 65 लाख का दो लिफ्ट के लिए, अभी टेंडर होना बाकी है। इसके पहले आमदार कुमार अलानी ने भी उद्घाटन किया था उसको बनाने को लेकर, उस निधि का क्या हुआ? नहीं, टेंडर अभी जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है ना। वह उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से मिली मंजूरी। पूर्व विधायक पप्पू कालानी के प्रयासों से उल्हासनगर को यह सौगात मिली है। यह जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष पंचम कालानी ने दी है। रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, हमारे नगर सेवक, मैं ये बताना चाहूँगी कि आज जो हमने उद्घाटन किए हैं उन सबके प्रस्ताव को लेके पप्पू कालानी जी, पापा ने यहाँ दौरा किया था और डॉक्टर सर ने वो समस्याएं बताई थी, तो जो भी राजेश टोपे सर से मीटिंग ली पापा ने, हम भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने जो भी इमरजेंसी में सैंक्शन तो किया हुआ है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा था, हमने फटाफट उसको फॉलो अप करके वर्क ऑर्डर लिया और हम उद्घाटन तभी करते हैं जब काम चालू होता है, तो आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, कल से ये काम चालू हो जाएगा। ये सड़क है, उसमें ऑपरेशन थिएटर है, आई ऑपरेशन थिएटर और लिफ्ट है। थैंक यू। आज सेंट्रल हॉस्पिटल जो है हमारे उल्हासनगर शहर में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में नज़र आ रहा था और स्वर्गीय आमदार ज्योति पप्पू कालानी जी ने एक राज्य की सरकार को, तत्कालीन सरकार को एक पत्र दिया था और बहुत दिनों से हम फॉलोअप कर रहे थे और कुछ दिन पहले ही एक गौर गरीबों की जो समस्याओं को लेकर आदरणीय पप्पू कालानी जी इस सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया था, थैलेसीमिया के पेशेंट से मिले और जहाँ पर आँखों का ऑपरेशन होता है उस वार्ड में गए, यहाँ के सड़कों के जायजा लिया और पप्पू कालानी जी ने पूरी सेंट्रल हॉस्पिटल के समस्याओं के किस तरीके से निवारण होगा, जल्द उन्होंने आदरणीय राजेश टोपे जो आरोग्य मंत्री हैं उनसे बात की और एक ऑफिशियली बैठक लगाकर वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जिला अध्यक्ष व माजी महापौर पंचम ओमी कालानी जी वहाँ पर उपस्थित होकर ये कैसे हम फंड्स ला सकते हैं उसके लिए पूरा फॉलोअप किया राज्य की सरकार की तरफ से। और आज बहुत खुशी का दिन है कि जिस तरीके से गौर गरीबों के मसीहा पप्पू कालानी लोगों से वादा किए थे कि यहाँ के सड़कों का निर्माण होगा, जो लिफ्ट बंद थी, जो लिफ्ट के कारण जो गौर गरीब आदमी है, जो पेशेंट्स हैं, जो एक से दूसरे माले पर जा नहीं पा रहे थे, उनको जो लिफ्ट बहुत सालों से बंद थी वो लिफ्ट को वापस, दोनों लिफ्ट चालू होगी, नई लिफ्ट वहाँ पर बिठाई जाएगी, सड़कों का निर्माण होगा और साथ ही साथ जो जहाँ पर आँखों का ऑपरेशन होता है वहाँ के वार्ड की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी वो पूरा रिपेयरिंग करके उस वार्ड को अच्छे से शेड बनाया जाएगा और यहाँ के जो गेट्स हैं वो नया गेट बनाकर गेट को अच्छे सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ये पूरी जो समस्या थी इस समस्याओं को निवारण करने के लिए कालानी परिवार ने जो वादा किया था वो वादे पर हम खरे उतरे हैं और आज उसी के उपलक्ष्य पर आदरणीय पंचम कालानी जी, हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर यहाँ के जो प्रमुख है डॉक्टर शिंदे जी, हमारे तड़वी जी, नगर सेवक मनोज लासी जी, नरेंद्र कुमारी जी, संजय सिंह जी, सुजीत चक्रवर्ती जी और साथ ही साथ नारायण पंजाबी जी, शिवाजी रगड़े जी, समस्त सभी नगर सेवकों ने और हमारे प्रमुख पदाधिकारियों ने मिलकर आज यहाँ पर उद्घाटन किया है और कल यहाँ से काम चालू होगा और मैं आज तहे दिल से शहर के आम नागरिकों के तरफ से गौर गरीबों के मसीहा और लोक नेता पप्पू कालानी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज या ठिकाणी मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर या ठिकाणी शहराचे माजी महापौर श्रीमती पंचम कालानी मॅडम या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचे सर्व सहकारी नगरसेवक या ठिकाणी आले आहेत, हॉस्पिटलचे आमचे सहकारी सर्व उपस्थित आहेत। गेले 1 ते 2 वर्ष वेगवेगळ्या कामांचा पाठपुरावा गव्हर्नमेंटकडे चालू होता, त्याचाच एक भाग म्हणून रुग्णालयातील नेत्र विभागाचे जे ऑपरेशन थिएटर आहे त्याची ग्रँड सँक्शन झालेली आहे, वर्क ऑर्डर झालेले आहे आणि त्याचं काम थोडे दिवसात आपण चालू करणार आहोत। रस्ता जे आपण उभे आहोत त्या रस्त्याचे जे टेंडर्स मंजुरी झालेले आहे त्याचे 19 लाखाचे असे 2 टेंडर्स मंजुरी झालेले आहे। तसेच लिफ्टची ज्या समस्या होत्या, गेले 1 ते 1.5 वर्ष आपल्याला लिफ्टची समस्या भेडसावत होती आणि पेशंटला सेकंड फ्लोअरला जाणे किंवा वृद्ध लोकांना वरती जाणे फार कठीण जात होतं, तर ती लिफ्ट धोकेदायक झाली होती आणि लिफ्ट सध्या बंद होती, त्या लिफ्टचे 65 लाख आपल्याला मंजुरी मिळालेली आहे। तसेच इतरही काही कामं प्रगतीपथावर आहेत, त्याच्यामध्ये हे गेटचं नूतनीकरण आहे, त्यानंतर पोस्टमार्टम रूमचं आहे आणि वेगवेगळे जे वॉर्ड्स आहेत त्याचे नूतनीकरण आहे, G+4 ची बिल्डिंगचा प्रस्ताव आपण पाठवलेला आहे, नर्सिंग कॉलेजचा प्रस्ताव आपण पाठवलेला आहे,
तो भविष्य काळामध्ये भव्यदिव्य असं हॉस्पिटल आपल्या विस्तीर्ण जागेमध्ये होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। आणि हे सर्व मंडळ या ठिकाणी आले, त्या कामाचं रितसर त्यांनी उद्घाटन केलेलं आहे, त्या सर्व मंडळीची मी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। उस समय आप भी मौजूद थे, तो वो फंड कहाँ गया या ये जो लिफ्ट बन रही है एनसी के द्वारा जो प्रयास के हिसाब से? नहीं, फंड अभी मंजूरी हो गया है 65 लाख का दो लिफ्ट के लिए, अभी टेंडर होना बाकी है। इसके पहले आंधर कुमार अलानी ने भी उद्घाटन किया था उसको बनाने को लेकर, उस निधि का क्या हुआ? नहीं, टेंडर अभी जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है ना। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।